जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ इंट्रा कम्युनिकेशन करवा सकता है, जिसपे हम लेयर टू डिवाइसेस की बातें करवा सकते हैं, कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, और जो सिर्फ हमारे लैन सेटअप में ही यूजफुल है। बट क्या ये स्विच इंटर विलेन कम्युनिकेशन कर सकता है, मतलब दो अलग सबनेट्स में बात कर सकता है, दो अलग विलेन से बात करवा सकता है, दो अलग विलेंस में इंटर इंटर कम्युनिकेशन करवा सकता है? तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। अगर आपको ये सब जानना है, प्रैक्टिकली देखना है, तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच मोर एजुकेशनल प्रैक्टिकल वीडियोज। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक सेटअप लिया है जिसमें मैंने एक एलटीयू स्विच लगाया है। यहाँ पर मैंने चार चार लैपटॉप यूज किए हैं। अब इन लैपटॉप्स के तो मैक एड्रेस वगैरह मैंने अभी कुछ नहीं दिया है। आईपी एड्रेस वगैरह मैक एड्रेस वगैरह शो कर रहा है। अब मैं आपको सीधा ले आता हूँ स्विच के ऊपर, जो भी मेरा स्विच बूट हुआ है। सबसे पहले हम स्विच की कॉन्फिगरेशन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं क्या करने वाला हूँ। मैं स्विच को स्विच में दो विलन बनाऊंगा, विलन 10, विलन 20। पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, 2 के इन दो दो लैपटॉप्स को रखूंगा मैं विलन 10 में, इन दो लैपटॉप रखूंगा विलन 20 में। फिर हम चेक करेंगे क्या ये दोनों विलन सेम विलन के पीसी आपस में बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या सेम विलन के पीसी आपस में बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये विलन के पीसी इस विलन के पीसी से बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या इंट्रा विलन कम्युनिकेशन होती है कि नहीं होती है, और इंटर विलन कम्युनिकेशन होती है कि नहीं होती है। तो सबसे पहले हम स्विच कॉन्फिगर कर लेते हैं। मैं कॉन्फिग टी में जाता हूँ। सबसे पहले मैं विलन बनाता हूँ विलन 10, एग्जिट विलन 20, सॉरी विलन 20। ओके, ये दो मैंने विलन बना ली है। अब मैं इन पोर्ट्स को विलन में असाइन कर देता हूँ। इंटरफेस रेंज ले लेता हूँ क्योंकि मुझे फॉरवर्ड वो करनी है। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 -, फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंटर स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10। ठीक है, सेम काम हम इनके लिए भी करेंगे। मैं सबसे पहले इंटरफेस चले जाऊंगा, इंटरफेस रेंज 3 और 4 में। यहाँ पर मैं आ गया 3, ये ले लिया मैंने 4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस विलन 20। ठीक है, अब हम शो इंटरफेस ब्रीफ ब्रीफ देख लेते हैं। तो इंटरफेस ब्रीफ देख लेते हैं। इसे मेरे चारों पोर्ट अप हैं, ठीक है, और मेरी अभी तक एक विलन इसमें है। ये विलन इसमें क्यों एक दिखा रही है, क्योंकि अभी तक हमने विलन को इंटरफेस विलन नहीं बनाया। तो हम इसको इंटरफेस विलन बना देते हैं। इंटरफेस विलन 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 10, मेरी विलन अप आ गई है, और उसके बाद इंटरफेस विलन 20। फ्रेंड मैं बता दूं, इसमें स्विच में वैसे इंटरफेस विलन बनाने बनती नहीं है लेटेस्ट स्विच में, बट ये पैकेट ट्रेसर है तो थोड़ा बहुत मतलब बग होते हैं। तो अब हम अगर फिर देखेंगे, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो अब आपकी मुझे दोनों विलन इसमें अप दिखा दी है। अब मैं अगर शो विलन करता हूँ, शो विलन करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे 10 में है 1 और 2, और विलन 20 में है 3 और 4। ठीक है, तो यहां तक तो हो गई इसमें हमारी बात। ठीक है, अब हम लैपटॉप पे जाते हैं। इनको हम आईपी दे देते हैं 10.1.1.2 देता हूँ, /24 ही ले लेते हैं। ठीक, अभी मैं इसमें गेटवे नहीं दे रहा हूँ, हम देखते हैं कैसे क्या होता है। हम एक एक सिनेरियो पे बात करेंगे पहले, तो ज्यादा इजी रहेगा, तो तभी हमारी डाउट जो है वो क्लियर होंगे। 10.1.1.3 255 255.0, ठीक है।
अभी मैं कोई गेटवे नहीं दूंगा, मैंने किसी विलेन को आईपी नहीं दिया है, कोई गेटवे नहीं दिया है। क्योंकि अगर मैं ये आईपी वगैरह अभी दे देंगे तो वो चीज हमें नहीं समझ में आएगी कि ये किस वजह से हुआ। फिर हम एज्यूम करते रहते हैं कि हो सकता है विलन का आपने गेटवे, विलन को आईपी दे दिया था, गेटवे दे दिया था, इससे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा। तो ये सब चीजें हो गई हैं, मेरे सेम विलन में है। अब मैं मेरे सेम विलन में, क्योंकि ये भी मेरा विलन 10 में है, ये भी मेरा विलन 10 में है, मतलब इस लैपटॉप से मेरा जो आईपी है वो मैं आपको दिखा दूं। मेरा आईपी कॉन्फ़िग मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। आईपी कॉन्फ़िग मेरा आईपी है 10.1.1.2, कोई गेटवे नहीं दिया है। अब मैं आपको पिंग करके देखता हूँ 10.1.1.3 को। सी मेरा पिंग हो रहा है, मतलब मेरा सेम विलेन में हूं मैं। तो सेम विलेन में मुझे कोई गेटवे की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि सेम विलेन में मुझे कोई गेटवे देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई गेटवे देने की जरूरत नहीं। बिना गेटवे के मेरे सेम विलेन में डिवाइसेस कम्युनिकेशन कर जाती है। ये मेरा लेयर 2 सेटअप है, लेयर 2 में बात हो जाती है। अब मैं पिंग करता हूँ 20.1.1.2 को। ठीक है, तो ये मेरा आरटीओ आ गया इसमें। ठीक है, अब हम इस पे हम नहीं जाते। सेम चीज वैसे तो सेम ही नेटवर्क है, सेम ही सेटअप है, फिर भी मैं आपको एक बार 20 से भी करके दिखा देता हूँ। कॉन्फिग ये मेरा 20.1.1.2 है, मैं पिंग कर देता हूँ 20.1.1.3 को, पिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं। अब आप लोग जिसको थोड़ा बहुत पता है नेटवर्किंग के बारे में, वो कहेंगे कि हमने तो विलेन को इंटरफेस आईपी नहीं दिया, गेटवे नहीं दिया, इसलिए पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको गेटवे देता हूँ यहाँ पर 10.1.1, ठीक है, अगर मैं इसको 10.1.1 देता हूँ, इसको भी अगर मैं यहाँ पर 10.1.1 दे देता हूँ, इसको यहाँ पर 20.1.1 दे देता हूँ, मैं चार लैपटॉप मुझे इसलिए लेने पड़े क्योंकि वो इंटरविलन और इंटरविलन कम्युनिकेशन मुझे दिखाना था। मैंने ये गेटवे भी डाल दिया है, ठीक है, लेकिन गेटवे है कहाँ, ये 20.1.1 है कहाँ, कहीं भी नहीं है। ये कहाँ कहाँ बनाने पड़ेंगे हमें, स्विच के ऊपर, स्विच के ऊपर कहाँ बनाने पड़ेंगे, कॉन्फिग थी इंटरफेस विलेन पे, कि मेरा इंटरफेस विलेन ही मेरा 10.1.1 है। मैं आईपी दे देता हूँ, आईपी एड्रेस 10.1.1.1। फ्रेंड मैं आपको फिर बोल देता हूँ, ये पैकेट ट्रेसर है, इसलिए इस पे हम लेयर 2 स्विच पे विलेन पे हम आईपी दे पा रहे हैं, अदरवाइज लेयर 2 स्विच पे विलेन नहीं डर पाता है। सिर्फ एक देखो, एक ही विलेन पे आईपी हो सकता है, बाकी किसी पे विलेन पे आईपी नहीं होता। ठीक है, अब मेरी विलन बन गया, विलन को मैंने आईपी दे दिया, गेट पे मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम पिंग करके देखते हैं। देखिए वैसे तो आइडली नहीं होता है, ठीक है ना, मैं भी एक ट्रेसर पे काम कर रहा हूँ, सिमुलेटर पे काम कर रहा हूँ। आइडली स्विच L2 पिंग नहीं करता है दूसरे सबनेट में, इंट्रा इंट्रा कम्युनिकेशन होती है, इंटर कम्युनिकेशन विलन नहीं होती है, बट ये पैकेट ट्रेसर है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो मैं फिर से करके देखता हूँ, पैकेट ट्रेसर में कोई बग हो तो मैं कह नहीं सकता कि बग में, अगर वो पिंग कर जाए तो मतलब 1% चांस होता है, कई बार बग भी होते हैं, बट जनरली पिंग होता नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा कि मेरा इंट्रा वेलन कम्युनिकेशन हो रहा था, लेकिन इंटरवेलन वेलन कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हम इस स्विच इस सेटअप से हम क्या समझ रहे हैं कि मेरा जो लेयर 2 स्विच है वो इंट्रा विलेन कम्युनिकेशन तो कर सकता है, सेम सबनेट में कम्युनिकेशन कर सकता है, लेकिन इंटर विलेन कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में यही हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई कई जगह मैंने अपने काफी स्टूडेंट से पूछा, मैंने कई से जब मैंने फ्रेशर्स आते हैं तो पूछता हूँ स्विच क्या करता है, तो बोलते हैं स्विच जो जी अलग विलेन में कॉन्फिगर कर लेते हैं, स्विच मेरा राउटिंग के काम आता है, स्विच मेरा इंटर कम्युनिकेशन विलन कम्युनिकेशन काम आता है, मैं कई अलग अलग स्विच लगा सकता, अलग अलग पीसी लगा सकता हूँ अलग अलग सबनेट में, तो आपस में बात करवा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा स्विच सिर्फ सेम विलन में बात करवा सकता है, अदर विलन में अदर सबनेट में कम्युनिकेशन नहीं करवा सकता।
तो प्लीज क्लियर दिस डाउट एंड कुछ भी होता है मुझे, कोई भी सिनेरियो में आपको डाउट होता है मुझे पिंग कर सकते हैं, मुझे आप चैट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही, बने रहें मेरे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।